स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है इस सुंदर समय में, अनुग्रह कृपा वरदान आशीषों का समय। वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। तो आइए हम सभी मिलकर धन्यवाद देते हुए प्रभु के मंदिर में प्रवेश करें, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाए, उसकी स्तुति करें, उसे धन्य कहें। हम सभी मिलकर इस सुंदर गीत को गाएं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। Oh,
का बल है हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रभु ने उद्धार किया, जिन्हें उसने शत्रु के पंजे से छुड़ाया, जिन्हें उसने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से एकत्र कर लिया। कुछ लोग उजाड़ प्रदेश और मरुभूमि में भटक गए थे, उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था, वे भूखे और प्यासे थे, उनके प्राण निकल रहे थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। हाँ, सभी प्यारे भाइयों बहनों, वो प्यारा प्रभु जो हमें हर संकट से निकालता है, हर वक्त हम सभी के साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, हर छोटी सी छोटी बात का वो हमारा ख्याल रखता है। चाहे हम भूखे हों या प्यासे, सभी बातों का वो ख्याल रखता है। आइए, हमें यह समय मिला है, यह मौका मिला है कि उस प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। यही समय जो हम सभी को मिला है, बात के लिए नहीं, इसी समय के लिए हम प्रभु की स्तुति करें, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से उसकी स्तुति करें। आइए हम सभी गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। बातें करने का
प्रभु का वचन कहता है, प्रभु भला और सच्चा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है। जी हाँ, भला ईश्वर। हम सभी याद रखें इस बात को, वो ईश्वर भला है, प्रेमी है, सभी को प्रेम करने वाला प्रभु है। वह हर वक्त हम सभी की भलाई चाहता है। आइए हम फिर से इस सुंदर गीत द्वारा प्रभु की स्तुति करें। इस गीत में प्रभु का वचन है, वचन जो आज ही केवल नहीं है, प्रभु का वचन अनंत काल से है, जो था, जो है और हमेशा रहेगा।